तो हे गाइस, इट्स योर फेवरेट पोकेमोन यूट्यूब चैनल पोकेलेटर से। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन अपकमिंग मूवीज एंड सीजन ऑन टीवी 2022, यानी कि पोकेमोन की अपकमिंग मूवीज और सीजन 2022 में हमें कब टीवी पर देखने मिल सकते हैं, यानी कि पोकेमोन की कौन सी न्यू मूवी और कौन से न्यू सीजन हमें 2022 में टीवी पर देखने मिल सकते हैं। तो फिर गाइस, आज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरा से स्किप मत करना और पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से इतना बोलना चाहता हूँ, पिछले 28 दिनों से मेरे जितने व्यूज आ रहे हैं उनमें से 71% लोगों ने अभी तक मैं सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो। ओनली 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए फिर अपने चैनल पोकेमोन रिसीव होंगे, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप गाइस आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, मुझे आप सभी से पूरा भरोसा है। आप चलो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करें हमें कौन कौन से सीजन महाराज के ऊपर देखने मिलने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे पोकेमोन की कौन कौन सी मूवी हमें हंगामा टीवी पर देखने मिलने वाली है। तो फिर चलो अब बात करते हैं इन सब के बारे में। अगर हम लोग सीजन की बात करें तो फिर पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट आने वाला है 2021 में, तो पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट पूरा कंफर्म हो चुका है कि 2021 में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं पोकेमोन एक्सवाई के पूरे चैप्टर, यानी कि पोकेमोन एक्सवाई, पोकेमोन एक्सवाई कलर्स क्वेस्ट और पोकेमोन एक्सवाई जी, ये तीनों सीजन कब स्टार्ट होंगे, कौन से मंथ में स्टार्ट होंगे और कौन से मंथ में कंप्लीट होंगे। फिर हम बात करेंगे पोकेमोन सन एंड मून हमें कब तक टीवी पर देखने मिल सकता है 2022 में। फिर हम अपने सेकंड पॉइंट में बात करेंगे पोकेमोन की मूवी, यानी कि पोकेमोन मूवी 17, पोकेमोन की मूवी 18, पोकेमोन की मूवी 19, पोकेमोन की मूवी 20 हमें टीवी पे कब तक मिल सकती है। इतना तो कंफर्म हो चुका है पोकेमोन की मूवी 17 और पोकेमोन की मूवी 18 हमें नेक्स्ट ईयर के समर वेकेशन में देखने मिलने वाली है। मैंने आपको इसे पिछले वीडियो सब एक्सप्लेन कर दिया है, सो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में फ्रेश होता दिख रहा होगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर अब अपनी इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम पोकेमोन की न्यू एपिसोड, यानी कि पोकेमोन सीजन 15 और पोकेमोन सीजन 16 कब कंप्लीट होगा। फिर हम बात करते हैं 2022 के बारे में, वो 2022 में हमें कौन कौन सी पोकेमोन की न्यू सीजन देखने मिलने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग 2021 का पूरा क्लियर कर देते हैं। तो बात करते हैं पोकेमोन सीजन 15 और पोकेमोन सीजन 16 हमें टीवी पे कब तक मिल सकता है। इस वीक के अंदर तेलुगु डबिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग आपको अपने चैनल के द्वारा बता देंगे। अगर तेलुगु डबिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तेलुगु डबिंग के बाद हिंदी डबिंग कंप्लीट हो जाएगी, और हिंदी डबिंग की अगर बात करें तो हिंदी डबिंग कब कंप्लीट होगी, तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक पोकेमोन सीजन 15 की हिंदी डबिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कि वैसे भी 40 एपिसोड अब हो चुके होंगे मेरे ओपिनियन से। मैं आपका प्रूफ वीडियो सब बता चुका है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, सो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते होंगे, पर आप लोग वो वीडियो इस वीडियो के बाद देखना। सो पोकेमोन सीजन 15 की हिंदी डबिंग सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक तक कम्प्लीट हो जाएगी, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। सो अगर ऐसा सच में हो जाता है तो सेप्टेम्बर के सेकेंड या थर्ड वीक तक चांसेस है कि पोकेमोन सीजन 15 टी वी में देखने मिल जाए। अगर ऐसा होता है गाइस, तो हमें पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की तरह पोकेमोन सीजन 15 भी ओवर एंड में देखने मिलेगा। फिर गाइस उसके बाद पोकेमोन सीजन 16 की बारी आ जाती है, फिर पोकेमोन सीजन 16 इस सीजन की डबिंग स्टार्ट होगी सितंबर के लास्ट तक। बात करें इस सीजन की डबिंग कब कंप्लीट होगी और पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के पूरा चैप्टर की डबिंग कंप्लीट हो जाएगी। पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की पूरी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोकेमोन सीजन 15 की डबिंग कंप्लीट होने वाली है और पोकेमोन सीजन 16 की डबिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दिसंबर के लास्ट तक हिंदी, तमिल, तेलुगु और साथ में पोकेमोन सीजन 14, 15, 16 इन तीनों सीजन और इन तीनों लैंग्वेज की पूरी डबिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। अब बात करते हैं पोकेमोन एक्सवाई के बारे में। सो बात करें पोकेमोन एक्सवाई हमें वापस कब टीवी पे देखने मिलने वाला है। सो जनवरी तक ऐसा हो सकता है कि पोकेमोन एक्सवाई स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसे पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग देख देख के बोर हो चुके हैं, वैसे हमने पोकेमोन ब्लैक एंड पोकेमोन सीजन 15, पोकेमोन सीजन 16 इन तीनों सीजन को देख देख के बोर हो चुके होंगे, तो शायद से हो सकता है कि डिज्नी इंडिया पोकेमोन एक्सवाई को दोबारा से लॉन्च कर दें। फिर पोकेमोन सीजन 18 की डबिंग स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल के मंथ में, क्योंकि अप्रैल के मंथ में समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके होंगे और उस तक पोकेमोन की एपिसोड की डबिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। फिर हम बात करें समर वेकेशन में क्या देखने मिलने वाला है। सो समर वेकेशन में पोकेमोन की न्यू मूवी देखने मिलने वाली है, ये हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। सो पोकेमोन सीजन 18 इस सीरीज की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी अगस्त तक, और अगस्त के मंथ में पोकेमोन सीजन 18 देखने मिल जाएगा। और पोकेमोन एक्सवाई की बात करें तो नेक्स्ट ईयर के अगस्त से लेके नवंबर तक पोकेमोन एक्सवाई की पूरी डबिंग कंप्लीट हो जाएगी, सो नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक पोकेमोन एक्सवाई पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा इंडिया में। तो डिज्नी इंडिया पोकेमोन एक्सवाई को पूरा पूरा कंप्लीट कर चुकी होगी। फिर पोकेमोन सन एंड मून की राइट्स डिज्नी इंडिया खरीद लेगी जापान से। अभी फिलहाल पोकेमोन सन एंड मून की राइट्स कार्टून नेटवर्क वाले के पास नहीं है और डिज्नी इंडिया के पास भी नहीं है। सो आई होप गाइस आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, पोकेमोन की न्यू कब टीवी पे देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, पोकेमोन अपकमिंग मूवीज ऑन टीवी, पोकेमोन की न्यू मूवी, यानी कि पोकेमोन मूवी 17 और पोकेमोन की मूवी 18 अगर बात करें मूवी कब देखने मिल सकती है। सो मैं
नेक्स्ट ईयर के समर वेकेशन तक यानी अप्रैल के मंथ में पोकेमॉन मूवी थर्ड ईयर पोकेमॉन मूवी टी वी पर देखने मिल सकती है। क्योंकि समर वेकेशन में हमें कुछ ना कुछ तो न्यू देखने मिलता है। सबको याद होगा 2020 में हमें पोकेमॉन मूवी 14 और पोकेमॉन मूवी 15 देखने मिली और इस बार समर वेकेशन में पोकेमॉन ब्लैक एंड देखने मिला। सो मैं जानता हूँ पोकेमॉन ब्लैक एंड थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ पर स्टार्ट हो चुका था, तो इस टाइप से हो सकता है नेक्स्ट ईयर के समर वेकेशन में हमें पोकेमॉन की मूवी 17 और पोकेमॉन की मूवी 18 टीवी पर देखने मिल जाए समर वेकेशन में। फिर बात करें पोकेमॉन की मूवी 19 और पोकेमॉन की मूवी 20 इन दोनों मूवी की टाइम कब स्टार्ट होगी। सबसे ज्यादा बात करें पोकेमॉन की मूवी 19 के बारे में, तो पोकेमॉन की मूवी 19 पोकेमॉन एक्शन की बात स्टार्ट हो सकती है इस मूवी की डबिंग। तो बात करें इस मूवी की डबिंग कब स्टार्ट होगी, तो इस मूवी की डबिंग पोकेमॉन एक्शन की बात स्टार्ट हो सकती है जब पोकेमॉन एक्शन की पूरी डबिंग कम्प्लीट हो जाए, फिर इस मूवी की डबिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे इस मूवी की डबिंग कम्प्लीट हो जाएगी वैसे फिर उसके बाद पोकेमॉन मूवी 20 की डबिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक हमें पूरा पता क्या हमें टीवी पर देखने मिलने वाला है। बस का इसके लिए इतना ही। सो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है तो हम लोग वीडियो को जल्दी जल्दी एंड कर देते हैं। सो वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो और गाइस मैं आपको पिछले वीडियो में बोला 50 लाइक्स कम्प्लीट कर देना और आप लोग 55 प्लस लाइक्स कम्प्लीट कर दिए। सो बहुत बड़ा थैंक्स गाइस, हम लोग ऐसे अपने चैनल ग्रो करते रहेंगे बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। तो अच्छा हम लाइक कर रखते हैं 50 लाइक्स का, तो आप लोग इस वीडियो में 50 लाइक्स कम्प्लीट कर देना। साथ में गाइस आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते होगे, उनको भी हर एक टाइम पर मिलती रहेगी मेरे चैनल के द्वारा। साथ में गाइस आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना सबसे पहले पोकेमॉन की न्यूज़ देखने के लिए। और अगर आपने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो उनमें से 242 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब तो किया है पर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस नहीं किया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करने में आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। सबसे पहले पोकेमॉन की न्यूज़ देखनी है नहीं देखनी, सो बस आज के लिए इतना ही। सो हम लोग इस वीडियो को एंड कर देते हैं। So let's end the video. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।